नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर हर पल। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तव्वल। पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत बसंत विहार निवासी मोहन चंद दास, जो दवा व्यवसाय का कार्य करते थे, उनकी हत्या 31 तारीख की रात में कुछ अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी, जिनका आज सदर DSP सरोज कुमार भारती के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया है कि 4 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें चारों परोरा ग्राम वार्ड नंबर 10 का बताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस हत्या में उनकी पत्नी का संलिप्तता है। आइए इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में DSP सरोज कुमार ने क्या कहा। यहाँ पर एक बात और जानकारी देनी है कि जो मृतक है उनकी पत्नी चिमकी दास नाम बताया जा रहा है, उनका प्रेम प्रसंग आयुष गुप्ता से चल रहा था और इनकी जानकारी उनके पति मोहन चंद दास को हो गई, जिसको लेकर दोनों पति पत्नी में आयुष गुप्ता को लेकर वाद विवाद होने लगा, जिससे इस दोनों प्रेमी और प्रेमिका के नज़र में मोहन चंद दास जो उनके पति हैं चिमकी दास के, उनको खटकने लगा। इनका एक उन लोगों ने साजिश किया, साजिश के तहत जो आयुष गुप्ता है, इनके दोस्त मनीष कुमार, गौरव कुमार और रमन कुमार बताया जा रहा है, ये सभी मिलकर 5 लाख रुपया में आयुष गुप्ता ने रमन कुमार को इनकी सुपारी दी, जिनमें 5 लाख क्लियर भी कर दिया गया। और उन्हीं पैसे को लेकर, सुपारी लेकर, रमन कुमार जो मुख्य शूटर बताया जा रहा है, उसने मोहन चंद दास को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि DSP साहब क्या कह रहे हैं। आप लोग को पहले से ही पता तो हो गई है कि एक दवा व्यवसाय की अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई थी 31 दिसंबर की रात शाम में। वह घटना अज्ञात के विरुद्ध में दर्ज किया गया था। घटना के दिन से ही पुलिस अधीक्षक श्री दयाशंकर के द्वारा एक SIT टीम का गठन किया गया। इस गठन का नेतृत्व मेरे नेतृत्व में किया गया, जिसके सदस्य थानाध्यक्ष मरंगा मिथिलेश कुमार, और टीम पुवानी जितेंद्र राणा, पुवानी मनीष चंद्र यादव, परीक्षमान अवर निरीक्षक आनंद कुमार, पुवानी पूजा गुप्ता, सुवानी राज संजीव रंजन लाल, तकनीकी शाखा प्रभारी पंकज आनंद, सिपाही सरोज रोहित कुमार एवं इंद्रजीत कुमार इसमें शामिल थे। और इस टीम में थानाध्यक्ष के नगर विकास कुमार आजाद को भी शामिल किया गया था। यह टीम लगातार वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर तथा टेक्निकल सर्विलांस एवं साक्ष्य के आधार पर इस कांड में शामिल अपराधकर्मी मास्टरमाइंड आयुष कुमार एवं मृतक की पत्नी चुमकी दास को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इस कांड में शामिल शूटर रमन कुमार एवं उसके सहयोगी गौरव कुमार, मनीष कुमार को उनके निज आवास से गिरफ्तार किया गया। यह कहानी मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी के बीच में 4 वर्षों से प्रेम प्रसंग की बातें चल रही थी। इसको लेकर के खुद मृतक इसका विरोध किया था, जिसके कारण उनकी पत्नी चुमकी दास अपने पति को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक साजिश रची, जिसमें उनका प्रेमी आयुष गुप्ता ने अपने सहयोगियों के साथ में एक सुनियोजित ढंग से
साजिश रचकर उसकी हत्या कर दिया गया। और इसमें वाहन जिसका प्रयोग किया गया था वह वाहन भी, प्रयुक्त वाहन को भी हम लोगों ने जब्त किया है। और अभियुक्त के पास से 9 मोबाइल बरामद किया गया था। इस कांड में सुपारी के नाम पर जो पैसा लिया गया था वह राशि भी 54,000 बरामद किया गया है। कुल 5 अभियुक्त को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इस कांड का मास्टरमाइंड आयुष कुमार और चुमकी दास ही है जिनके द्वारा यह घटना को अंजाम दिया गया है। मुख्य शूटर रमन कुमार इसमें है जिनके द्वारा गोली चलाई गई थी और उसकी हत्या कर दी गई थी। कितने की सर सुपारी दी गई थी? लगभग 5,00,000 रुपये की सुपारी इनके द्वारा, आयुष के द्वारा दी गई। ये शूटर प्रोफेशनल है या सर पहली बार के द्वारा बात किया गया? अभी उसमें हम लोग साक्ष्य जुटा रहे हैं। ये प्रथम दृष्टया अभी तो लग रहा है कि पहला ही इनके द्वारा घटना की गई है। सुपारी में 5,00,000 कितने रुपए दिए थे? टोटल पेड था 5,00,000 टोटल पेड था। आयुष कहाँ का है? पूर्णिया के किसी और जगह का? आयुष है, के नगर थाना के रहने वाले, परोरा वार्ड नंबर 10 के रहने वाले हैं। गौरव कुमार जो उसके सहयोगी हैं वह भी के नगर थाने के हैं, परोरा का ही। रमन कुमार परोरा, मनीष कुमार परोरा, और मृतक की पत्नी चुमकी आप जान ही रहे हैं। पत्नी और प्रेमिका के सहयोग से ही, हाँ प्रेमी और अपने रास्ते से हटाने के लिए, अपने पति को हटाने के लिए ही दोनों के सहयोग से ये राशि दी गई थी। उसके बावजूद अपने प्रेमी से 1 जनवरी का मृत्यु होने के बाद 1 जनवरी का वो गिफ्ट मांग रही थी अपने प्रेमिका से, आयुष कुमार से 1 जनवरी का गिफ्ट भी मांग रही थी। हाँ मरवाने का ही गिफ्ट है उनके द्वारा मांगी जा रही थी। पहले भी सर इसकी गिरफ्तारी का गिफ्ट उसको मिला 31 दिसंबर की रात को। हाँ हाँ वो गिफ्ट मांग रहे थे वो, और जान रहे हैं कि हम लोग 31 दिसंबर की रात से हम लोग परेशान है और हम लोगों का 1 जनवरी जो है बेकार चला गया। ये सुपारी किलर जो है सर कितने दिन से इसका रेकी कर रहा था, उसको मारने के लिए एक बार पहले भी प्रयास किया गया? हाँ एक बार पहले भी प्रयास किया गया था। ये 30 को घटना को अंजाम देने वाला था लेकिन उस दिन ये लोग सफल नहीं हो पाए तो फिर ये 31 की शाम में इलों के द्वारा हत्या की गई। 5,00,000 ये जांच का विषय है। जमीन अपने जमीन बेचा है वो। हाँ सबकी गिरफ्तारी के नगर थाना क्षेत्र से हुई है। हथियार भी मिला है सर क्या? नहीं हथियार की बरामदगी नहीं हो पाई है लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं, वह भी बरामदगी हो जाएगी उसकी।